नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीएन 24 और मैं श्रुति। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फरुखाबाद से, जहां रावण के पुतले की राख और लकड़ी ले जाने को लेकर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने इस दौरान लाठियां भाजी। रावण दहन के बाद उसकी जली हुई लकड़ी और राख ले जाने के लिए लोगों में होड़ लग गई। रावण का पुतला जैसे ही धराशायी हुआ, भीड़ पुतले को लाठी डंडे से पीट पीट कर उसमें इस्तेमाल लकड़ी लेने के लिए टूट पड़े। लकड़ी हासिल करने के लिए लोगों को काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। लकड़ी लेकर जा रहे लोगों ने बताया कि इसे घर में रखने से विद्वत आती है। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को और फरुखाबाद वासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 2 साल बाद यहाँ पर क्रिश्चियन कॉलेज के ग्राउंड में जो रावण दहन का कार्यक्रम था, उसमें करीब 20,000 से 30,000 लोग सम्मिलित हुए। और इसके संबंध में पुलिस प्रशासन के द्वारा पहले से ही सारी तैयारियां कर ली गई थी। जितनी भी मीटिंग्स थी और जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, सभी ने बखूबी अपना यहाँ पर रोल अदा किया, और जिसके कारण ये जो कार्यक्रम है सक्सेसफुल संपन्न हुआ। इसमें ऑलमोस्ट हमारे 2 CO, 1 SP, 10 इंस्पेक्टर, 200 कॉन्स्टेबल्स और करीब 50 सब इंस्पेक्टर के यहाँ पर रोल डेप्लॉय किया गया था। इसके अलावा जो रामलीला कमेटी के वॉलंटियर्स हैं, वो करीब 100 के करीब थे, वो भी इसमें उनका भी पूरा समय सहयोग मिला। इस तरीके से पूरा कार्यक्रम सक्सेसफुल संपन्न करवाया गया। एक बार पुनः सभी को विजयदशमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कहीं जो लकड़ी वहाँ पे बाद में बचती है, उसको कहीं लोग खींचने आते हैं, उस तरीके किस तरीके से उसको रखा गया है उसको बचाने के लिए? क्योंकि बैरिकेडिंग करवाई गई थी, डबल बैरिकेडिंग करवाई गई थी, हमारा फोर्स डिप्लॉय किया गया था ताकि वहाँ पर कोई किसी तरह की मिसअप ना हो। वक्त की बड़ी खबर आ रही है झांसी से, जहां गरौटा क्षेत्र में मां के पंडालों में धूम मची रही। वहीं दशहरा के मौके पर नम आंखों से देवी प्रतिमाओं को विदाई दी गई। जानकारी के अनुसार नवदुर्गा महोत्सव पर नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में देवी की प्रतिमा रखी गई थी। प्रतिमाओं की नवमी में हवन पूजन कर आज श्रद्धालुओं ने नम आंखों से विदाई देते हुए विसर्जन कर दिया। बड़ी खबर आ रही है शाहजहांपुर से, जहां मामला थाना रोजा क्षेत्र के ग्राम डिंगुरपुर अर्शनाली का है, जहां पीड़िता अशफाक अली ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच पड़ताल कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। पीड़ित अशफाक अली ने बताया कि मेरा बेटा आफताब अली कक्षा 9 से श्री फूल सिंह शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज नियमतपुर में पढ़ रहा है, जबकि वर्तमान में कक्षा 12 में फूल सिंह शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज नियमतपुर पढ़ रहा है। वहीं उदयपुर में स्थित प्रस्तावित पुत्तू सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रबंधक राम कुमार यादव पीड़ित अशफाक से चुनावी रंजिश के चलते पीड़ित पुत्र आफताब अली छात्र का राम कुमार यादव द्वारा अपने कॉलेज में फर्जी प्रवेश दिखाकर अपने कॉलेज में तैनात प्राइवेट अध्यापक सुनील कुमार पुत्र साधु राम से साठ गांठ कर छात्र के भविष्य को बर्बाद कर दे रहे हैं। बच्चे अशफाक अली के और पढ़ते हैं, उसके आधार पर इन्होंने कहा हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दो। तो आपका जो कॉलेज है तो इसकी मान्यता कितनी है? कक्षा आठ तक इंटर तक आपने लिखवा रखा है? नहीं, इंटर तक लिखवा प्रस्तावित लिखवा रखा है, बिल्डिंग मान्यता जूनियर हाई स्कूल तक है। मान्यता जूनियर हाई स्कूल का जो बेटा आफताब अली है वो यहाँ पढ़ता था? इंटर में इंटर में नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता था। अच्छा। इनका बच्चा 2-3 बच्चे और पढ़ रहे हैं, उसके आधार पर इन्होंने कहा मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दो, उसका पंजीकृत है वहाँ नियामतपुर ट्यूशन का। आपके स्कूल में आपका पढ़ता था या नहीं? नहीं, हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता था। ठीक है, बाकी यहाँ ट्यूशन पढ़ाई जाती थी, कोचिंग पढ़ने आता था। हाँ, कोचिंग पढ़ता था। तो जो टीचर था आपके वहाँ, तो इनसे उससे क्या संबंध था? ये कोचिंग पढ़ाता था। क्या नाम था टीचर का? ये कहाँ के रहने वाले? दिया मैंने श्री पुत्तू सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज जो है निकट जो उदयपुर में जो है, इसके संबंध में जो जूनियर तक है मानता और ये इंटर तक बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसका आपने प्रार्थना पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया है? जी जी। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आपको कार्रवाई के लिए? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि वहाँ जाएंगे हम लोग और उसकी जाँच करेंगे स्कूल की। तो ये तो आप लोग तो जानते ही होंगे, ये क्या यहाँ की प्रक्रिया है, क्या है पूरा मामला बता दीजिए इनका। पुत्तू सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज का कितने तक स्कूल है? और इनका भैया जो है ये स्कूल जो है इनकी मान्यता कक्षा 8 तक है, और ये फर्जी तरीके से जो है बच्चों को गुमराह करते हैं और पढ़ाते हैं। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होता है वहाँ पे, इतने मास्टर साहब लोग जो पढ़े ही नहीं है जो बच्चों को पढ़ाएं, खाली बच्चों का जो है भविष्य खराब कर रहे हैं। 2-3 बच्चे हमारे गाँव के और उनका नाम गलत कर दिया, कहीं कुछ कर दिया।
आपके बेटे पर भी तो मुकदमा लिखवाया इन्होंने। जी भैया जी, तो ये आपका बेटा यहाँ पढ़ता है? हमारा बेटा यहाँ नहीं पढ़ता है, वो तो फूल सिंह यादव जो कौन सी क्लास में पढ़ता है, 12वीं का छात्र है वो। तो ये मुकदमा कैसे लिखा है? ये भैया इनने वही जो है क्या नाम प्रधानी वाली रंजिश जो है, हम वहाँ के प्रधान के पास बैठ उठ जाते हैं और ये चुनाव में हार गए थे, हम अपने गांव से चुनाव जीत गए थे, इसीलिए वहाँ ये रंजिश मानते हैं हमसे। तो आप क्या चाहते हैं? इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है संभल से, जहां भगवान राम के तीर चलाते ही धू धू कर जल उठा रावण का पुतला। विजयदशमी के पर्व पर भगवान राम की पूजा अर्चना के साथ शास्त्रिक और धार्मिक रूप से ग्रंथों की पूजा विधि विधान से की गई एवं भगवान राम लक्ष्मण हनुमान जी एवं वानर सेना सायंकाल 4 बजे बैंड बाजे के साथ दशहरा मेला स्थल तक पहुंचे, जहां रावण वध की रामलीला का मंचन किया गया। मेला स्थल पर श्रद्धालुओं ने श्री रामलीला मंचन एवं यहाँ लगाए गए मेले का आनंद का लाभ उठाया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फरुखाबाद से, जहां रावण दहन देखकर घर वापस आ रहे युवकों पर दबंगों ने हमला बोल दिया। चुनावी रंजिश के चलते दबंगों ने युवकों पर जानलेवा हमला किया है। आपको बता दें कि पीड़ितों का आरोप है कि दबंगों ने रास्ते में घेर कर गाली गलौज करने के बाद जमकर चाकूबाजी की। दबंगों के हमले में 4 युवक घायल हो गए। घायलों को आनंद फानन में शमशाबाद CHC में भर्ती कराया गया है। आज कस्बा शमशाबाद में समय लगभग रात्रि 8 बजे रावण दहन के उपरांत मोटरसाइकिल स्टैंड से बाइक निकालने को लेकर प्रथम पक्ष के शैलेंद्र व रंजीत व दूसरे पक्ष से शिवम प्रमोद व विमल के बीच वाद विवाद हुआ। इसके बाद शैलेंद्र व रंजीत द्वारा दूसरे पक्ष के 3 व्यक्तियों पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें 3 को चोटें आई हैं। इस सूचना पर शमशाबाद पुलिस द्वारा तत्काल मजरूबों को CHC शमशाबाद ले जाया गया, जहां से शिवम व प्रमोद को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला चिकित्सालय फरुखाबाद रेफर कर दिया गया है। 3 मजरूब खतरे से बाहर हैं। मजरूब विमल की तहरीर पर समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों नामजद अभियुक्त शैलेंद्र व रंजीत को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है व अग्रेदर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।